आशि मेहता हूँ। आज हम एक नई वीडियो में बुक क्रिएटर में एक बुक बनाना सीख रहे हैं। वैसे तो हम एक ई बुक बना रहे हैं। आप सोचोगे मैं ऐसे ई बुक क्यों बह रही हूँ, बिकॉज हमने सेपरेट नहीं किया है। जो हमें सेपरेट करेंगे तो ये एक्चुअल बुक की तरह दिखेगी। अभी मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे बुक क्रिएटर में मैंने बिना वीडियो के भी कुछ बुक्स बनाई है मेरी सिस्टर के साथ। मेरे फादर ने भी मुझे कुछ बताया जिससे मैं और भी वीडियोस बना पाऊँ उनके, वो मैं आपको अदर वीडियोस में शो कर दूंगी जैसे मैंने कहा ही है। तो अभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ, वो है कि ये बुक क्रिएटर में आप अपनी खुद की बुक ई बुक बना सकते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रिंट करके एक बुक में बदल सकते हैं। अगर आपको इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, कलर करना है तो आप कलर प्रिंट कर सकते हैं। तो दो कलर के प्रिंट आप कर सकते हैं इसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत अच्छी चीज भी। चलो अब इसे शुरू कर मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने बिना किसी वीडियो के कुछ बुक्स बनाई है। मैं उनमें से एक बुक शो कर देती हूँ, इसका नाम है डॉग बुक। ये रहा मेरा फ्रंट पेज, अब मैं इसे रीड करने वाली हूँ। और अब मैं इसे रीड कर रही हूँ और ये ऐसे खुलता है लाइक रियल बुक में। और इनमें से कुछ फोटोज ऐसी भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ी मिलती है। और यहाँ बहुत सारी डॉग ब्रीड्स हैं जिनके बारे में लिखा भी हुआ है। इनकी सारी मैंने इमेजेस ढूंढी और ली, कुछ कुछ मुश्किल इमेजेस थी, कुछ कुछ आसान इमेजेस थी, और कुछ को फिट करना मुश्किल हो गया इसलिए उन्हें डिलीट कर दिया गया था। और ये बहुत अच्छी चल रही है अभी तक। चलो भाई नई बुक बनाते हैं, बैक। और अब हम बनाने वाले एक न्यू बुक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू बुक, इसमें चलेंगे। यहाँ पर दो जगहें हैं जिसमें तीन तीन ऑप्शंस हैं, इनमें डिफरेंस है। इन सारों में सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं और इन सारों में तीन तीन ऑप्शन होते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस होता है जो है कॉमिक, और ये बहुत ही अच्छी कॉमिक वाला है। इसमें आपको पैनल्स भी मिल सकते हैं। अब हम इसे बनाने जा रहे हैं, चलो इसे बना देते हैं। फर्स्ट मैं आपको समझा दूं कि कवर में हमें पिक्चर कैसे लानी है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस है, कॉमिक्स, मीडिया, शेप्स। मैं मीडिया में चलूंगी। यहाँ पर एक इंपोर्ट ऑप्शन है, मैंने इंपोर्ट को लिखा। यहाँ पर चार ऑप्शंस है, एम्बेडेड, ड्राइव, फाइल्स एंड मैप्स। मैं फाइल्स में जाऊंगी और यहां से एक इमेज ढूंढूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं इसे खुद क्रिएट कर रही हूं। मैं खुद क्रिएट कर रही हूं एक कवर। फर्स्ट मुझे आप कवर के लिए कुछ डिजाइन लेने होंगे। मैंने थॉट्स में से कुछ लिया और मैं बुक बनाने जा रही हूँ, सो मुझे कुछ थॉट्स में से लेना है, वो है ये। अब इसे मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया है, मैं इसे आप फिट करूंगी। अब इसे करने में जब मैं इसे प्ले करूंगी तो इसमें सिर्फ आधा हिस्सा दिखेगा जो मुझे चाहिए। चलो इसे बैक करते हैं, इसमें आपको फुल दिखेगा, असल में इसका आधा ही होता है। और यहाँ पर एक टेक्स्ट है लाइक लिखने के लिए, आप बहुत तरह की टाइप्स में लिख सकते हैं लाइक ये। मैं टाइटल में लिखना चाहती हूँ बिकॉज टाइटल अच्छा लग रहा है मुझे, और ये मेरे फेवरेट कलर रेड का भी है। मैं इस पर लिख रही हूँ AASHI, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आशीष, एस
she is B-double-O-K book. और यहाँ पर अब मुझे टर्न करना होगा. अब इसे जहां चाहे इसे फिक्स कर सकती हूँ और आप अपने थॉट्स वाले क्लाउड के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं. और मुझे इसे यहां पर फिक्स करना है बिल्कुल सेंटर में. यहाँ पर एक पिन ऑप्शन भी होता है, बहुत अच्छा होता है वो. मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. इसमें बहुत सारे ऑप्शन, लाइक ये है पेन मार्कर, वैसे इसे पेन भी बोल सकते हैं, पेंसिल की तरह भी काम करती है. ये मैजिकल इंक है. और ये है हाइलाइटर, जो आप देखते ही होंगे यूज होते हैं स्कूल्स वगैरह में. क्रेयॉन जो आप कलरिंग के लिए यूज करते हो, और पेंट ब्रश जो भी आप कलर के. और ये है साइज जो आप चूज कर सकते, लाइक मैंने छोटा, उससे भी बड़ा, मीडियम, उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा. अभी के लिए मैं सबसे बड़ा. और यहाँ इस गोले पे आप बहुत सारे कलर्स चूज कर सकते हैं. नाइस. और ये मैंने अभी रेनबो मैजिक इंक यूज की है. ये भी एक तरह की मैजिक इंक से होती है. लेट मी यूज दिस वन. आई एम मेकिंग माय ओन. ओ हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपको इसे अच्छा नहीं लगता है तो आप अंडू भी कर सकते हैं. और मैजिक इंक का यूज कर लाइक आपसे कुछ परफेक्ट ड्रॉ करना चाहते हो जो आपसे होता नहीं, आप यहाँ पर वैसे ही कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करोगी. यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आ जाएगी. पेन मैं बैक करूंगी और बैक करूंगी और देखूंगी कि मेरी बुक आई भी फ्रंट में. ओके, सबसे बड़ा. अब मैं कलर चूज करूंगी जो मैंने पहले किया था, ये. अब चलूंगी मैं मैजिक सीन पर. और अब मैं एक हार्ट ड्रॉ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सभी फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उन्हें कुछ तो अच्छा देना ही चाहती हूँ. पर मैं बनाने जा रही हूँ एक क्लाउड अभी के लिए. और अब इस क्लाउड पर मुझे बहुत सारे स्प्रिंकल ही करना है. ये आपको लग रहा होगा क्रॉस करने से तो हमारी इमेज चली जाएगी. नहीं, वो नहीं जाएगी. और यहाँ पर फिल और इरेजर का भी ऑप्शन है. मैंने इसे फिल कर दिया. सो गाइस, अब मैंने ये डन कर दिया. मैंने अपना कवर पेज बना दिया. ओके, मैं वेट कर रही हूँ क्या कि हो जाए. मैं बैक आ चुकी हूँ और मैं यहाँ से इस बुक को देखने वाली हूँ. अब मैं इसमें कुछ इंपोर्ट करने वाली हूँ जो अच्छी चीज है बहुत. लेट मी गो इन कवर. अब मैं इसमें कुछ इंपोर्ट करूंगी. फर्स्ट मुझे पैनल्स चाहिए. यहाँ पर पैनल्स लिखा हुआ है और ये मैंने दो पैनल्स यूज किया. अब मैं इनमें कुछ इमेजेस जोड़ूंगी. Let me add images. Image. Let me add my image. ये मैं अपनी फोटो ऐड कर रही हूँ. Okay. अभी के लिए मैं आपको वन ही फोटो से दिखाऊंगी क्योंकि हमें इस वीडियो को जल्दी एंड भी करना है. So guys, ये आ रही है. इसे लोड होने में वक्त लग रहा है. ये रिक्वेस्ट. अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन करूंगी इस पे. जो ऐड कर देती हूँ पिक्चर फाइल्स. लेट मी एड दिस वन, देन वी विल एंड दिस वीडियो. सो गाइस,
मुझे बुक क्रिएटर में बहुत फन आ रहा है, पर मैं इसे एंड तो नहीं करना चाहती, पर अब इसे एंड करना। सो बाय गाइस, ये बहुत अमेजिंग चीज थी जिसमें हमने बुक क्रिएटर में बहुत कुछ किया। सो बाय गाइस।